वेलकम टू गाइस माई न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास रियलमी का C2 मॉडल फ़ोन आया हुआ है जो डेड कंडीशन में है। यहाँ पे मैं चार्जिंग प्लगिंग करके चेक किया तो गाइस जो है ये फ़ोन चार्जिंग एम्पेयर मशीन में कोई एम्पेयर नहीं शो कर रहा है और गाइस ये पूरी तरीके से डेड है। यहाँ पे मैं पावर बटन प्रेस करके आप लोग को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये पूरी तरीके से डेड है। ये कोई एम्पेयर शो नहीं कर रहा है, ना ये फ़ोन का चार्जिंग का लोगो डिस्प्ले पे शो कर रहा है। तो ऐसे फ़ोन को किस तरह रिपेयरिंग करना है इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। पहले गाइस इस फ़ोन का बैक पैनल को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके गाइस हमें चेक करना होगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो यहाँ पे गाइस इसको साइड से प्रेस करके अच्छी तरीके से पहले बाहर रिमूव कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर जो है गाइस इसमें जब चार्जिंग प्लगिंग कर रहे हैं तो एम्पेयर मशीन में कोई एम्पेयर नहीं ले रहा है, तो हमें ये चार्जिंग के सब बोर्ड को बाहर निकाल के हमें चार्जिंग कनेक्टर को चेक करना होगा कि हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर है वो ओके है कि नहीं। तो कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास भी डेड कंडीशन के कोई भी फ़ोन आते हैं, आपको चार्जिंग प्लगिंग करके देखना है एम्पेयर मशीन में, अगर उसमें फ़ोन कोई एम्पेयर नहीं ले रहा है तो गाइस आपको फ़ोन को ओपन करना है और ये जो चार्जिंग कनेक्टर है उसे आपको अच्छी तरीके से चेक करना होगा कि हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर है वो पूरी तरीके से ओके है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने सब बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। अभी इसकी चार्जिंग कनेक्टर की कंडीशन देखेंगे गाइस, तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्जिंग कनेक्टर की कंडीशन है। तो पहले गाइस इसको जो है चार्जिंग कनेक्टर को रिप्लेसमेंट करके देखते हैं ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पे गाइस मैंने ये फ़ोन को चार्जर एम्पेयर मशीन में लगाया था तो ये कोई एम्पेयर नहीं ले रहा था, ये पूरी तरीके से डेड था। तो यहाँ पे इसकी चार्जिंग कनेक्टर का कंडीशन देखेंगे तो काफ़ी ख़राब है, पहले इसे रिप्लेसमेंट करके देखते हैं। अधिक करके गाइस जो फ़ोनों में प्रॉब्लम आता है हमारा चार्जिंग कनेक्टर को जिस ही आता है, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन में काफ़ी जंग लगा हुआ है चार्जिंग कनेक्टर में, तो इसे पहले रिप्लेसमेंट करके देखते ये डेड का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास भी डेड कंडीशन के फ़ोन आते हैं तो आपको उसे चार्जिंग कनेक्टर को चेक करना है, अगर चार्जिंग कनेक्टर ख़राब है तो आपको रिप्लेसमेंट करके देखना है। अधिक करके फ़ोनों में चार्जिंग कनेक्टर का ही प्रॉब्लम आता है, तो इसे रिप्लेसमेंट करना काफ़ी इजी होता है गाइस। आपको ब्लोअर से चार्जिंग कनेक्टर के ऊपर थोड़ा सा हीट देना है, पेस्ट लगा लेना है पहले साइड पर, और उसके बाद गाइस जब ये हीट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आप किसी भी टूल से इसे उठा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से गाइस मैंने चिमटे से इसे निकाल लिया है। अभी इससे पहले सोल्डरन वायर से अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे क्योंकि इसकी कंडीशन देखेंगे गाइस तो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इसमें जंग लग चुका है चार्जिंग कनेक्टर के जगह पे ही पूरे। तो इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करके गाइस इसमें एक नया चार्जिंग कनेक्टर बैठाएँगे और देखेंगे ये हमारा जो डेड का प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पर गाइस इस सोल्डरन वायर से अच्छी तरीके से इसे क्लीन कर लेते हैं। इसे सोल्डरन वायर से क्लीन करने में एक ही फ़ायदा रहता है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लीन हो जाता है। यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसे सफ़ा कर लेता हूँ और सफ़ा करके गाइस जो इसमें एक नया चार्जिंग कनेक्टर बैठाएंगे। तो यहाँ पे जो है इसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है गाइस जंग लगा हुआ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसे क्लीन करने में। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, अभी इसे बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि बराबर सेटअप नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो वापस इसे टाइट करूँगा, इसमें एक नया चार्जिंग कनेक्टर को बैठाऊँगा और देखते हैं ये प्रॉब्लम हमारा डेड का सॉल्व होता है कि नहीं। इसके पुराने जो चार्जिंग कनेक्टर था उसमें काफ़ी जंग लग चुका था जिसके कारण ये एम्पेयर मशीन में चार्जिंग कनेक्ट करते थे तो कोई एम्पेयर नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक नया चार्जिंग कनेक्टर ले लिया, इसे पहले अच्छी तरीके से इसके पोजीशन पे बैठा के इसे सोल्डिंग करूँगा और चेक करूँगा कि ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। ऑलमोस्ट कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो जिसके चार्जिंग कनेक्टर या चार्जिंग CC अब जो भी बोलते रहेंगे उसे रिप्लेसमेंट करना काफ़ी इजी होता है। तो यहाँ पे गाइस मैं इसे अच्छी तरीके से पहले सोल्डिंग कर लेता हूँ चारों खाँचों को
अच्छी तरीके से मजबूत कर लेता हूँ, और मजबूत करने के बाद गाइस इसका जो पीछे का 5 पॉइंट है उससे भी अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दूंगा, और देखते हैं ये डेड प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। यहाँ पे गाइस मेरे ये चारों खांचे अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो गया है। अभी ये जो पीछे की तरफ हमारे 5 पॉइंट होते हैं चार्जिंग कनेक्टर के, इसे ब्लेड से थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच कर देंगे, और स्क्रैच करके जो है इसे सोल्डिंग कर देंगे पेस्ट लगा के। जब तक गाइस आप इस पर स्क्रैच नहीं करते हैं तब तक इसे सोल्डिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे पहले पीछे इसको सोल्डिंग कर लेते, नहीं तो ये चार्जिंग कनेक्टर मार्केट का काफ़ी नाजुक होता है। अभी यहाँ पे पेस्ट लगा देता हूँ, और लगाने के बाद इसे अच्छी तरीके से सोल्डिंग करता हूँ, और देखते हैं ये डेड प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। यहाँ पे गाइस ये कंप्लीट हो चुका है मेरा सोल्डिंग। अभी जो है मैं इसे थोड़ा अच्छी तरीके से क्लीन कर लेता हूँ, और क्लीन करके इसे फिटिंग करके आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ ये जो डेड का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुआ कि नहीं। अभी यहाँ पे चार्जिंग कनेक्ट करते हैं, और देखते हैं ये एम्पेयर मशीन में कोई एम्पेयर लेता है कि नहीं। तो यहाँ पे गाइस ये फ़ोन जो है अभी 50 एम्पेयर ले रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्जिंग का लोगो भी हमारा यहाँ पे शो कर दिया है। तो गाइस इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम था हमारे चार्जिंग कनेक्टर का था, चार्जिंग कनेक्टर कनेक्ट नहीं हो रहा था जिसके कारण ये फ़ोन हमारा डेड कंडीशन में था। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये 1% हो चुका है। अभी मैं इसे ऑन करके कंप्लीट आप लोगों को चालू करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो अगर आपके पास आता है तो आपको उसका चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेसमेंट करके देखना है, आपका ये प्रॉब्लम अधिक करके सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस मैंने फ़ोन को ऑन कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइमिंग लगे, देख सकते ये कम्प्लीट मेरा ऑन हो चुका है, और ये फ़ोन सारे की वगैरह वर्क कर रहे हैं। अगर गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह डेली आप लोगों को नोटिफिकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।